भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा गुरुवार को नौगांवा तहसील के गांव नाहरथला पहुंचे और दलित परिवार से मिले। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि नाहरथला में दलित समाज के लोगों पर जो अत्याचार हुआ है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रशासन से मांग करेंगे और उच्च अदालत तक जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि दलितों को न्याय मिलेगा। अगर पुलिस द्वारा सभी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए तो दोबारा से बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व विधायक आहूजा ने पीड़ित परिवार के राम स्वरूप सुरेश को 31,000 रुपए का आर्थिक सहायता के रूप में चेक भेंट किए और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, भाजपा नेता जय आहूजा, राजकुमार तीर्थानी, राजेंद्र कसाना, राजेंद्र राठी, रविन्द्र ईश्वर सहित सभी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। निहाल सिंह, प्रदेश महासचिव राजस्थान मेघवाल समाज। हमारे साथ सुमेर सिंह जी हैं, ये महासचिव पूर्व मेघवाल विकास समिति। नारथाड़ा गांव की जो ये घटना है जिसमें हमारे मेघवाल समाज के लोगों पर षड्यंत्र पूर्वक एक होकर जो हमला किया गया है और बुरी तरह उनको घायल किया गया है, इससे पूरे अलवर जिले नहीं राजस्थान के अंदर मेघवाल समाज के अंदर बहुत ही रोष उत्पन्न है। और इस प्रकरण में हम मेघवाल समाज ही नहीं पूरा अनुसूचित जाति समाज एकजुट है। अभी तक दोषियों को, सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, ये प्रशासन और जो पुलिस की है अक्रम्यता ही दिखाता है और इससे ज्यादा रोष है। मैं आप सभी समाज के लोगों से जो आप आए हैं, मैं कहता हूं कि ये एकजुट होने का है। और पिछले कुछ दिनों से रामगढ़ क्या पूरे अलवर जिले के अंदर ही अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार बढ़े हैं, हम उसकी बहुत निंदा करते हैं और बहुत ही इसकी भर्त्सना करते हैं। और हम ये चाहते हैं, जिला प्रशासन और पुलिस से मांग करते हैं, अगर जितने भी दोषी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, वरना पूरे जिले का जो हमारा समाज है एकत्रित होकर जो भी कार्रवाई करेगा, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, वो पूरी कार्रवाई करेंगे। अभी मैं नारथला गांव में हूं। यह लगभग बहुमत में मेघवाल समाज का गांव है। आसपास के लगभग 40-50 गांवों के मेघवाल प्रतिनिधि हैं और मेरे साथ मंडल अध्यक्ष श्री राजेश हमारे जाटव, हमारे श्री राजेंद्र शर्मा, हमारे जय आहूजा और हमारे पवन जैन लीलू के नाम से, नौगांव से हमारा प्रवेश पटेल सहित गुलशन आहूजा, कोशी भाई रविंद्र सिंह जी महामंत्री सहित और भी कई प्रमुख कार्यकर्ता हैं। श्री राजेंद्र कसाना, राजकुमार जी भी आगे हैं। ये सब लोग सहयोग करने आए हैं यहाँ के मेघवाल समाज को, जिनके पर बहुत दुर्दांत जघन्य हमले हुए हैं मेव समाज के कुछ लोगों के द्वारा। मैं सारे मेव समाज को, संपूर्ण मुसलमानों को अपराधी नहीं ठहरा रहा, आई निहाल सिंह जी, लेकिन कुछ लोग गुंडा तत्व है और सुना कि षड्यंत्र यहाँ के सरपंच का है और पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं, पुलिस मदद करती नहीं। लेकिन जिन्होंने पैसे खाए हैं, चाहे छोटा पुलिस अफसर बड़ा अफसर, नाम मैं किसी का लेता नहीं, थाने में मैं जाता नहीं, उनके सबसे खाए हुए पैसे को पेटों से निकाल दिया जाएगा, ये बिल्कुल तय है। माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से लेकर नीचे तक, मुंसिफ कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक, माननीय न्यायालय पर, कोर्ट पर हमारा पूरा भरोसा है। न्याय के लिए हमारे वकील एक नहीं, दो नहीं, 50-100 सब तरह से फ्री में केस लड़ने के लिए तैयार है, चाहे नीचे कोर्ट पर, चाहे ऊपर कोर्ट पर। जितने एफआईआर लॉज हुई, थाने ने मनमानी की, या कांग्रेस का गुंडा राज, या जलील राज, या जंगल राज, पुलिस कार्रवाई नहीं करे, दलितों पर हमले हों और फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करे, और नीचे से ऊपर तक अफसरों तक तब तक लेटर चले गए। मैं आईजी साहब से बात करूंगा, डीजीपी साहब से बात करूंगा, नीचे कार्रवाई एसपी साहब से करेंगे, क्यों नहीं हुई। पर सबसे बड़ा भरोसा माननीय न्यायालय पर है और वकील हमारे तैयार है, और तैयार है हिंदू संगठन, हिंदू संगठन, हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ब्रज कल्याण परिषद सहित सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पॉन्सर्ड आरएसएस हमारे संगठन है, जो पूरी तस्दीक से कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ
10-15-20 गांव के लोग हैं, जैसा मैंने कहा लगभग 28-30 गांव के प्रतिनिधित्व है। लेकिन केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल से मेरी बात हुई है, वो आएंगे। पूर्व मंत्री श्री खेमराज मेघवाल आएंगे। अभी हमारे बीच में जिलाध्यक्ष श्री नारायण सिंह मेघवाल, हमारे बहुत पुराने मित्र, जब UIT में थे अकाउंटेंट, सबसे पुरानी मित्रता है कि जिलाध्यक्ष है मेघवाल समाज के, और भी प्रांत के मेघवाल समाज के, जाटो समाज के, बलाई समाज के, बैरवा या बलाई, रेगड़ या जाटो या मेघवाल लगभग एक है। और फिर अलग इनके अलावा खटीक समाज या बाल्मीकि समाज या धाणका समाज, कोली समाज, जो ये संपूर्ण दलित समाज, फिर पूरा हिंदू समाज आएगा और यह केंद्र बनेगा यहाँ के विधायक की और पूर्व विधायक की। गुंडाई और गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इनकी मैंने हौसला अफजाई की है, इनकी हिम्मत बंधाई है। इससे ज्यादा आज कहना कुछ उचित नहीं है, लेकिन कार्रवाई पूरी करेंगे, सख्त करेंगे। मैं जयपुर से सुबह 5 बजे चल करके यहाँ पहुंच गया और सभी बंधुओं के बीच में हूँ। इन सब बंधुओं, गांववासियों को धन्यवाद, यहाँ मेरे साथ आने वाले पूरी टीम को धन्यवाद। भाई महावीर हमारे बैरीपुर के अच्छे कार्यकर्ता हैं और ऐसे सात्विक कार्यकर्ता हैं, 5 सुपारी जरदा तक कुछ नहीं खाते मेरी तरह, और सात्विक कार्यकर्ता हैं दयाल सिंह जी सहित हमारे सब लोगों को, जो टीम हमारे साथ आई सबको धन्यवाद, बहुत बहुत। रामगढ़ विधानसभा के गांव नारथला में जो पिछले 2 तारीख को एक बेब समाज के द्वारा कातिलाना हमला हुआ दलित समाज पर, उसमें चल रही लीपा पोती को लेकर के प्रशासन के खिलाफ सारे हिंदू संगठन एक होकर के दलितों के फेवर में इस गांव के साथ जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, उसके लिए एकता के साथ सारे हिंदू संगठन खड़े हैं। और जिस तरह प्रशासन लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है, उसको लीपापोती नहीं करनी दी जाएगी, ना बर्दाश्त किया जाएगा किसी भी कीमत पर। जिस तरह का प्रशासन कांग्रेस में काम कर रहा है, उसका सब घोर विरोध करते हैं, और उन सब के लिए दलित परिवार के साथ सब संघर्ष करेंगे और सब खड़े होकर के एक बड़ा लड़ाई लड़ेंगे। यदि अभी भी प्रशासन नहीं चेता, न्याय नहीं मिला, दलित परिवारों के साथ जो हुए अत्याचार को और कातिलन हमले को सही 3 से 3, 7 में 3 से 2 में मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में नारथला में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और कांग्रेस सरकार होगी। इस सबको कहने ही है, सारे हिंदू संगठन पहुंचे। मेरा इंद्र कसाना, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अलवर।